देखते क्या पाकिस्तान की चीज याद आती है। पाकिस्तान में बस वेले ही घूमते फिरते थे, यही होता है। कोरिया में जो काम है ना, ये बंदे को मार ही देते। पाकिस्तान में यही है, बंदा थोड़ा टाइम मिलता है, रिलैक्स होता है। बिल्कुल, मुझे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो चीज याद आ रही है, एक तो जो मेरे जो रिश्तेदार थे, मेरे ताया जान ड्यूटी पे जाते ड्यूटी पे जाते थे, ये 5 साल हो गए थे यार, चले गए यार, क्या जवान है ये ना। पाकिस्तान की मिट्टी में खुशबू जो है ना, वो कोरिया में नहीं आ सकती। मेनू तो समा छोटी ना जो है पट्टी ला दे, मेनू नाजरीन मेनू पर खुशबू आती है, पैसे की खुशबू है, तभी तो इधर रह रहे ना। अगर पैसे की खुशबू नहीं होती तो यहां क्या कर रहे हैं। सबसे जो बड़ा मसला मुझे लगता है वो लैंग्वेज का ही है। हाँ, वो कभी कभी छोटे मोटे हो जाते मसले, क्योंकि वो कहते हैं ना कि ज्यादा पांडे हो तो फिर खड़कते रहते हैं। 4 साल 8 माह बेगम है इन चीजों से, ना इकामा है ना कबील का चक्कर है। कोरिया बेस्ट क्योंकि यहाँ पर सैलरी बहुत अच्छी है, उसके बाद ये कि ये बंदे को फौजी बना देती है, जो अलग सुस्ती बंदे के अंदर जिस तरह निकाल देते हैं, जान छुटती है, कोई बकरियां नहीं है, कोई जाके मंजा पाली है, सारा दिन कहते की करिए, मछुआ आते हो थोड़े 8-8 साल हो गए थे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सब लोगों का। यार आज की वीडियो के अंदर बहुत ही मज़े की वीडियो होने वाली है इंशाल्लाह, क्योंकि आज है मेरे साथ बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी, पूरी वीडियो के अंदर पाकिस्तानी हैं। और आज ये लोग कोरिया में रह रहे हैं, कुछ लोग 1 साल से रह रहे हैं, कुछ 4 साल से, कुछ को 10 साल हो गए हैं। तो आज इनसे बातें करेंगे कि यार कोरिया के अंदर ये आए हैं, कैसे आए हैं और कोरिया का एक्सपीरियंस किस तरह का रहा है, लाइक कोरिया अच्छा लगा इन्हें या कोई प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो आज की पूरी वीडियो इन पाकिस्तानियों के साथ होगी। और हम लोग साथ में बाय द वे चाय भी पी रहे हैं, और चाय स्पेशल बनाई है उस्मान भाई ने, जिनको आपने पहले वीडियो में देखा होगा। खैर, हर एक का इंट्रोडक्शन करवाते हैं और बाद में इनसे पूछते हैं कि यार कोरिया कैसा है, आना चाहिए और आते हैं तो क्या चीज़ें प्रॉब्लम है और क्या चीज़ें अच्छी लगी इनको इन्हें जो है कोरिया आने के बाद। जी, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी करवा दें जल्दी से। और कितना अर्सा हो गया आपको कोरिया में? मेरा नाम अताउल्लाह है, मैं 2012 में कोरिया आया था। नाम कामरान खान है और नौशहरा से ताल्लुक रखता हूँ जी। कोरिया 2015 आया हूँ। आप मुझे तो जानते ही हैं, मैं भाई अक्सर होता ही हूँ। मेरा नाम उस्मान है, मैं जिला चकवाल से तलक है मेरा। अच्छा, और... तो चकवाल की इन्होंने जो है रेवड़ियाँ नहीं दी हुई सानू है, फिके बिस्किट खिला देते हैं उस्मान भाई, मर्जी तुम्हारी। मेरा नाम आरिफ खान है और मैं शुरू में कराची में रहा हूँ। मेरा बेसिकली ताल्लुक मेरा मानसेहरा से है। मेरा नाम अली माविया, मैं नारोवाल से आया हूँ और 2018 में मैंने टेस्ट पास किया था। तो अभी मार्च 2022 में आया हूँ, 6-8-9 महीने हो गए होंगे। जी माधवी, छाड़ दो चाय थोड़ी देर वास्ते। हाँ जी, इंट्रोडक्शन करा दे माधवी थोड़ा सा। मैं हूँ हमाद और मैं सियोल में काम करता हूँ। ठीक है, सियोल का एक एरिया वासोंग, मेन सियोल में तो आप हैं जी। और मैं अभी 2012 में आया था कोरिया में। अच्छा, खैर अभी सबसे पहले जो क्वेश्चन चीज है कि जो है ना कोरिया के अंदर आप जब आ गए, लेट्स से कौन सी चीज आपको पाकिस्तान की सबसे क्या चीज याद आई है? जी, पाकिस्तान के फ्रूट जो है ना, उस फ्रूट पर फ्रूट, वाकई क्योंकि कोरिया में फ्रूट वो टेस्ट नहीं होते जो पाकिस्तान में होते, क्योंकि हमने तो काफी फ्रूट ट्राई किए ना, लेकिन उनमें टेस्ट नहीं होती जो कुदरती मिठास है। कसम से, हां इनके सारे मस्नूई लाइक वो इंपोर्टेड होते हैं, इंपोर्टेड होते हैं, तो इसका फ्रूट का बस मजा नहीं है। बाकी क्या बोल सकते हैं, क्या पाकिस्तान की चीज याद आती है? पाकिस्तान में बस वेले ही घूमते फिरते थे, यही होता है। कोरिया में जो काम है ना, ये बंदे को मार ही देते। पाकिस्तान में यही है, बंदा थोड़ा टाइम मिलता है, रिलैक्स होता है। बिल्कुल, मुझे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो चीज़ याद आ रही है, एक तो जो मेरे जो रिश्तेदार थे, मेरे ताया जान दुनिया से रुखसत हो गए हैं, जिनके साथ ज्यादा अच्छा टाइम गुजरा है, एक तो मुझे वो याद आ रहे हैं। ड्यूटी पे ड्यूटी पे जाते थे, ये 5 साल हो गए थे यार, चले गए थे यार, क्या जवान है ये ना। पकड़े गए उस्मान, नहीं नहीं, मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ जो दुनिया से चले गए हैं, उनका जिक्र कर रहा हूँ। और बाकी जाहिर सी बात है, जो जिंदा है वो भी तो याद तो आते हैं, फिर भी नहीं। अभी बस मेरे पास सिर्फ 6 महीने रह गए, उसके बाद 6 महीने ये वीजा ही खत्म हो रहा है, वरना जाने वाले भाई। कमरान भाई आप बताएं, आपको क्या चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती है पाकिस्तान की? अरे भाई, पाकिस्तान की मिट्टी में खुशबू जो है ना, वो कोरिया में नहीं आ सकती। नहीं, मिट्टी दरअसल यहाँ की, आपने मिट्टी देखी हो, यहाँ वो खुशबू नहीं आती दरख्तों से, वो
गुलाब सी, गुलाब की वो गोबर वगैरह नहीं है, जो खुशबू पाकिस्तान गुलाब की खुशबू आती है, पैसे की खुशबू है, तभी तो इधर रह रहे ना, अगर पैसे की खुशबू नहीं होती तो यहाँ क्या कर रहे हैं। लेकिन कोरिया भी अच्छा है उस लिहाज से, कोरिया अपनी जगह अच्छा है, पाकिस्तान अपनी जगह अच्छा है। जी अली भाई, पाकिस्तान की क्या चीज सबसे याद है? पाकिस्तान सारा ही याद है, पंजाब, क्योंकि हम बेसिकली पंजाब के ना, पंजाब की खेतें, अपने जानवर, अपना खुला माहौल, वो सारे ही तो खुला माहौल, ये वाकई खुला माहौल इधर नहीं ना, इधर बस सारे दिन काम नीचे ऊपर और नीचे बस, ये माहौल। अच्छा माफी, आपको क्या चीज याद आती है सबसे? मुझे तो मेरे यार दोस्त जो थे वो बड़े याद आते हैं, जो है ना जब अक्सर रात के लेट तक जाना बाहर घूमना फिरना खाना खाना, वो बड़े याद आते हैं। अच्छा यार, कोई भी कंट्री जो है ना परफेक्ट नहीं होता, चाहे लेट्स से बात करें पाकिस्तान की, या आप बात कर लें सऊदी अरब की, अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की, मसले हर जगह होते हैं। तो कोरिया के मसले उनकी बात करते हैं, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चले, कोरिया के अंदर इतना सा आप लोग यहाँ पे रह गए हो, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आप लोगों ने फेस की हैं? शुरू में जब मैं 2012 में कोरिया आया तो उस टाइम हमारे कंट्री में कोई भी पाकिस्तानी नहीं थे ना, ठीक है, तो जिसकी वजह से मुझे मसाले का सामना था, आस पास भी कोई पाकिस्तानी नहीं था, तो मैं अकेले ही पाकिस्तानी था और नेपाली थे और मालिक लोग थे, तो शुरू में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। जी कमरान भाई, कोरिया के अंदर रहते हुए क्या मसाइल आपको? मसाइल तो जो नए बंदे आते हैं अक्सर उनको फूड का ही होता है ज्यादातर, अगर चलो कंपनी में कोई पाकिस्तानी पहले से ही रहते हैं ना, और फिर तो कोई मसला मसाइल नहीं है शुरू में ना, बस सिर्फ वही घर की याद आ जाती है बंदे को, यही रह जाता है कुछ यादें, वाबस्ता हो जाती है बंदे की कोरिया में। और मेरे ख्याल में इधर नहीं, वो एक मसला नहीं बताया आपने, जो आप बता रहे थे वो वॉशरूम वाला, जो लोटे का मसला। लोटे के अलावा इन्होंने पेप लगाया टूटी के साथ बकायदा, क्या कोई मसला ना बने पाकिस्तान की याद रहे। हमें नीचे फैक्ट्री में भी लगाए हुए है ना, मालिकन को भी समझाए कि ये नहीं, मतलब बाहर चले जाते हैं कहीं शॉपिंग करने, वहां तो नहीं ना पाइप मिलेगा, तो फिर क्या करते हैं? बस फिर यही करते हैं, घर से तैयार होके ही निकलते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ट्रेन स्टेशन में, बस स्टेशन में आपको वो चीज नहीं मिलेगी, या तो बोतल अपने साथ रखो, और क्योंकि खाना तो हमने है ही नहीं बाहर का। उस्मान भाई क्या मसले रहे हैं आपको? मैं शादी के अलावा कोई मसला होता भी है मुझे बताए, बस तो सबसे बड़ा वही होता है ना हो तो, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह सब बेहतरीन है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोई टेंशन। यहाँ खाने पीने का वो जो बता चुके हैं वो तो सब कोई टेंशन होती है, बाहर जाओ यहाँ पे आओ, अगर पाकिस्तानी है जैसे ये थे तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई टेंशन नहीं हुई जब यहाँ पे आए थे। अगर कोई खाना शाना खाने तिवान ही चले तो वो तो हलाल फूड जहाँ पे होगा वहीं तो खाने जाएंगे, वैसे जाते रहते हैं। माजिद भाई साहब देखा वीडियो में, कई बार हम खाए हैं मिलके, तो वो टेंशन, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई टेंशन नहीं हुई यहाँ पे आके, सब सही चल रहे हैं फिलहाल अभी तक, ठीक है। जी हाँ जी, सबसे ज्यादा मसला यहाँ पे जैसे बंदा आता है, सबसे ज्यादा मसला जुबान को होता है, हर इंसान को होता है, उसको नहीं होता जो पुराने बंदे हों, लेकिन अगर वो भी चले जाएं, जैसे मैं आया था चले गए थे वापस ना, रहमान भाई चले गए थे, उनका 5 साल का वीजा खत्म हो चुका था, तो मुझे सुबह सुबह अंडे लेने जाना पड़ता था मालकिन से, मैं मालकिन के पास गया, मैंने कहा कि मुझे खेरन दो, वो बोलती कैसे शादी करनी है तुझे मेरे साथ, वो परेशान, खेरन बोलते शादी, खेरन दो मुझे, वो परेशान, वो मुझसे बार बार पूछे कौन सा खेरन चाहिए तुझे। मैं यार कोरिया में जो अंडा है, अंडे को कहते हैं खेरन, खेरन, और जो शादी है उसे कहते होते हैं ख्योरन, तो ये कह रहे थे कि मुझे खेरन दो, अंडा दो, तो वो समझ रही थी ये कह रही है मुझे, मेरे से ख्योरन हो जाओ, लेकिन शादी करो, तो इसलिए जो है ना, लेकिन खैर हमें भी नहीं पता कि आप वाकई क्या चाह रहे थे, ये तो अभी अल्लाह ही अलकन ने मुझे समझाने के लिए बहुत कोशिश की, कभी अंडे ला के दे, कभी बिस्किट ला के दे, कभी कॉफी ला के दे मुझे, कभी क्या कुछ ला के दे, बोले तुझे चाय क्या है, फिर उसके बाद मैंने नेट से पिक्चर निकाली अंडों की और मैंने कहा मुझे अंडा चाहिए, फिर उसके बाद वो मालिक बहुत हंसी ना, बहुत हंसी, उसने सारे वर्करों को भी बताया, तो एक उस टाइम मुझे कदर हुई थी जुबान की, भाई इंसान को जुबान आना बहुत जरूरी है, तो उस टाइम मैंने सीखना शुरू की अल्हम्दुलिल्लाह। और अली भाई से भी पूछते हैं आपको क्या क्या मसले रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर मुझे बड़े भाई जैसे सारे भाई मिले हैं, लैंग्वेज का मसला नहीं है क्योंकि पंजाबी वाकई बहुत सारे बोल जारे, एक लाइक फैमिली की तरह है सारे, माशाल्लाह जबरदस्त, बहुत मजा आपस में सहेलियां हम लोग एक किस्म की ना, सहेलियां समझते हैं ना पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह खाने का जो मसला वो बिल्कुल इधर नहीं है,
हाँ वो कभी कभी छोटे मोटे हो जाते मसले, क्योंकि वो कहते हैं ना कि ज्यादा भांडे होने फिर खड़कते रहते, खड़क खड़क के वेखो किंज हो गए थे। एक मसला इन्हें हुआ था शुरू में, यह है तो मालिक कह रहे थे श्रीलंकन है या पाकिस्तानी, ये बहुत बड़ा मसला चलता रहा यहाँ पे, ये बहुत टाइम तक ये मसला चलता रहा है। बाद में मैंने हल किया कि दोनों में चलते रहते हैं, ये बहुत बड़ा मसला बना था यहाँ पे कंपनी में खास तौर पे, फिर औरतें भी मेरे से बार बार पूछ रही थी, तो मैंने उन्हें बताया नहीं वो ये मसला था, लेकिन दरअसल इनके वहाँ गर्मी बहुत ज्यादा पाकिस्तान से था, क्योंकि ये रंग श्रीलंकर पहनते तो पाकिस्तान से लेके। हाँ जी सर, आपको क्या क्या मसला? मुझे तो यही, ये जो क्या नाम है आपका, आरिफ भाई, आरिफ भाई ने जो बात बताई है लैंग्वेज वाली, सबसे जो बड़ा मसला मुझे लगता है वो लैंग्वेज का ही है। जैसे वो भाई बता रहे थे दूसरे अताउल्ला भाई कि इधर पाकिस्तानी नहीं थे जब आप आए हैं, तो बहुत सारे मसले ऐसे होते हैं कि जो आप अपने नहीं सुलझा सकते, कोई आप बीमार हो जाते हो या किसी किस्म का भी मसला हो, अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो ये बहुत बड़ा मसला है। अभी उन्होंने पाकिस्तान से आजकल बहुत ज़्यादा लोग कोरिया आना चाह रहे होते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स भी जो स्टडी करने के लिए, उन लोग भी काफ़ी आना चाह रहे हैं, और वर्किंग के लिए भी बहुत ज़्यादा लोगों की ख्वाहिश होती है। तो आप एक सेंटेंस में क्या रिकमेंड करोगे कि कोरिया आना चाहिए, या कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या हैं पाकिस्तान के अंदर, आप या अमेरिका चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, जो कम लोग जाते हैं, या लेकिन फिर दुबई, सऊदी अरब बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, तो क्या आप लोग रिकमेंड करोगे कोरिया ज़्यादा ठीक है कि उधर वाले साइड पे जो अल्टरनेटिव ऑप्शन हैं अरब कंट्रीज जो हैं? अरब कंट्रीज पर बेहतर ही है कोरिया, क्यों, कोरिया में जो इनकम मिल रही है ना आजकल, बल्कि पूरी दुनिया के में कंट्रीज के जो लेबर वेजेज है ना वो कोरिया में बहुत बेस्ट है ना, मतलब बेस्ट में, और मुल्क में इतनी वेजेज नहीं मिलती अरब में, हालांकि यूरोप में भी बंदा चला जाए ना उधर ही बंदा ख्वार ही होता है, ये 2-3 लाख के पीछे टैक्स बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता, तो इंसान की वो सेविंग नहीं करता, सेविंग अगर बंदा चाहते तो कोरिया में सेविंग कर सकते, लेकिन और मुल्कों में ये कि अगर बंदे सिर्फ 4-5 साल भी गुजार ले तो डॉक्यूमेंट जल्दी मिल जाते हैं, बंदे का फ्यूचर बन जाता है। कितनी सेविंग होगी, कितने करोड़ वगैरह, कितने आपने? तकरीबन मैं 2 करोड़ वन जमा कर लिए। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, 7 करोड़ वन इनके पास, मैं गवाह हूँ, ये आप मेरे से पूछ सकते हैं, 7 करोड़ वन है और 40 लाख की जमीन है पाकिस्तान में, माशाल्लाह माशाल्लाह के बैठे हुए हैं। ये है बिल्कुल सऊदी में, मैं खुद 2 साल रहा हूँ ना उधर, तकरीबन ये कामों का और कफीलों के चक्कर ये बहुत होते हैं ना, असल में ये कोरिया में वो ही सब नहीं है, बस आ गए 3 महीने 2 महीने कार्ड बन जाएगा आपका, यानी समझ लो कि 4 साल 8 माह बेगम है इन चीजों से, ना इकामा है ना कफील का चक्कर है, ये तो ऑलरेडी आपको सेविंग है, अगर उधर आपको कफील बनेगा तो 4-5-10 लाख यही सब होते हैं हर साल, तो वो सऊदी या दुबई से बेहतर यही है कोरिया। कोरिया और कामरान भाई, आपको इनकी भी इन्फॉर्मेशन होगी ना, ने कितना जमा किया? बिल्कुल बिल्कुल इन्फॉर्मेशन लोग मुझसे कुछ मिनिस्टर। अब ऐसा है कि भाई सऊदी में देखें लोग 35-35 साल लगाते हैं, यहाँ सिर्फ 5 साल लगाते हैं बंदा बराबर हो जाता है, लेकिन जो बराबर नहीं होते वो अल्लाह ही बराबर करे फिर उन्हें, ठीक है। बाकी इसके अलावा कोरिया बहुत अच्छा मुल्क है, यहाँ आप आ सकते हैं रह सकते हैं, रहने के लिहाज से बहुत अच्छा है, सैलरी के लिहाज से बहुत अच्छा है, और वर्कर तो यहाँ बहुत चाहिए, मतलब काम के लिहाज से तो बहुत ही अच्छा, काम आपको बड़े और ममालिक में नहीं मिलेगा जब कोरिया में मिलेगा, इज्जत आपको मिलेगी, सब कुछ करेंगे, देंगे खाने को, देंगे रिहाइश, देंगे और सब कुछ देंगे, लेकिन काम लेंगे आपसे, सिर्फ काम इज्जत वाली बात भी, यहाँ पे इज्जत भी बहुत है इंसान की जो है ना, बाकी ममालिक की नस्बत बहुत है। उस्मान भाई आप क्या कहेंगे? मैं 2 चीज़ें कहूँगा कि स्टडी के लिए तो खैर किसी मुल्क में भी जा सकते हैं, यूरोप में भी जा सकते हैं, कोरिया में भी जा सकते हैं, उस लिहाज से जो बड़े ममालिक हैं उनमें ठीक है। जॉब के लिहाज से मैं ये कहूँगा कि कोरिया, क्योंकि मैं बाकी ममालिक का तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोरिया के बारे में ये बता सकता हूँ कि जहाँ पे सैलरी अच्छी है, आप सिर्फ काम करने वाले हों, और जब कोरिया से आएँ तो ये माइंड बना के कि हम काम करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ से यहाँ पे आके ये ना कहें कि हमने वहाँ पे जाना है और बैठ जाना है, इसलिए जब भी कोरिया आए तो ये माइंड बना के आए कि काम वहाँ यहाँ पे कोरिया में आसान नहीं है, और आसान मिल भी सकता है, लेकिन ये ना सोच के कि आसान मिलेगा तो हम जाके बैठ जाएंगे, ये नहीं है, आपने आना है तो काम करने के लिए, काम करके आना है और पैसे कमाने हैं। अली भाई आप क्या कहते हैं? जी, बाकी कंपेयर टू अदर कंट्रीज, कंपेयर टू अरब कंट्रीज, अरब नहीं कोरिया बेस्ट, क्योंकि यहाँ पर सैलरी बहुत अच्छी है, उसके बाद ये कि ये बंदे को फौजी बना देते हैं, जो अलग सुस्ती
बंदे के अंदर जिस तरह निकाल देते हैं जान जुटती कोई बकरियां नहीं है कोई जाके मंजा पालिए सारा जगह ने की करी है मछुआ दे तोड़े 8-8 साल हो गए ने ओ खुदा दा वाल सच की जसो ये मैं गीता पे हाथ रख के कहता हूं सच के सिवा सच बोलोगे सच गीता मर गई गीता मर गई और ये बेस्ट मुल्क है क्योंकि यहां पर वर्कर के लिए सहूलत बहुत ज्यादा है और यहाँ पर जो माहौल है कमरे वगैरह रहायश वगैरह सब कुछ A1 है कोरिया बेस्ट है दूसरे ममालिक में ये जलील देखे ना सारे हो गया ये सऊदीया ये दुबई से जलील यार सऊदीया से जलील यार तो पाकिस्तान मेरी जो दुबई में रिहायश थी इसी तरह की VIP रिहायश थी मैं कह सकता हूँ बाकी जो मेरे पास गया हूँ वहाँ की रिहायश लेकिन पैसा काम लेकिन वो अलग चीज है पैसा भी मतलब जितनी अच्छी जॉब होगी उसमें पैसा होगा लेकिन ये नहीं है कि आप जो पैसा कोरिया है मगर इनसे पूछ लो ये रो रोगे 1 रुपया कितने भाई आपके अकाउंट में कोई भी नहीं है सारे लेकिन पैसा आप क्या कहेंगे अपने चाहने मैं तो यही कहूंगा कि देखें जो कोई भी बंदा है जो चाहता है कि उसे जिंदगी की सहूलतें मिले पैसे के साथ साथ तो वो सारी सहूलतें आपको कोरिया में मिलती हैं इंटरनेट का जो सबसे बड़ा मसला होता है जैसे दुबई वगैरह में आप बता रहे हैं मेरी भी बात होती है लड़कों से तो बहुत महंगा है उधर जो इंटरनेट है इधर ये फ्री आपको देते हैं और दुनिया का तेज तरीन इंटरनेट है कोरिया में और उसके बाद आपके मेडिकल का जो मसला होता है वो भी बड़ा जबरदस्त है सारा जो है ना आपकी इंश्योरेंस होती है उसी में करते हैं अब मुझे इंश्योरेंस के पैसे मिल रहे हैं ना अब मैं इंश्योरेंस पे हूँ पूरी सैलरी मिल रही है मुझे अच्छा। इसके अलावा मालिक फूड मनी भी दे रहे हैं रिहायश फ्री है खाना फ्री है एसी फ्री है सब कुछ फ्री है तो क्या हुआ था आपके हाथ ये बस हाथ में थोड़ी सी लग गई चोट लग गई हाँ, इसने भाई ने ना इस समय लेना था तो उसके लिए टाइम नहीं था मशीन में कुछ इस तरह कट करवाया उसके बाद ये कमरे में आके सोता आराम से खाता पीता है। माजिद भाई आपने सबसे पूछना आप खुद बताएं कि कोरिया स्टडी के लिहाज से वर्क के लिहाज से कैसा है। अच्छा अच्छा मैं भी बताता हूँ यार मैंने भी दुनिया माशाल्लाह देखी है 22 मुल्कों में गया हूँ मेरे ख्याल में पैसा जब आता है ना कोरिया में मैं हमेशा कहता हूँ कि जापान को और कोरिया को अल्लाह ताला ने बड़ा पैसा दिया है आपको पैसा कमाना हो इन दो कंट्रीज में बहुत ज़्यादा आपको जो है कमाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है अमेरिका में या यूरोप में पैसा आप ज़्यादा कमाते हैं लेकिन वहाँ पे फिर रहने का खर्चा बहुत ज़्यादा है टैक्सेस बहुत ज़्यादा आपको पे करते हैं कोरिया के अंदर वो सिस्टम नहीं है दूसरी चीज़ जैसे भाई बता रहे थे कि इज्जत जो है ना यहाँ पे इंसान की वैल्यू है आपको कभी आपका जो है ना बॉस इस तरह ये नहीं है कि आपका पासपोर्ट खींच ले आपको जलील करे आपको पाकिस्तान ना जाने दे नहीं बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर हमें यू नो खाना वगैरह खिलाया अपने दावत दी चाय पिलाई बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका और अगेन गाइस कोरिया अच्छा कंट्री है प्रॉब्लम्स हर कंट्री में होती हैं लेकिन खैर फिर भी बाकी कंट्रीज के निस्बत काफ़ी अच्छा मुल्क है और लाइक जैसे आप लोगों ने इनके व्यूज़ देखे हैं अगेन हर किसी का डिफरेंट व्यू भी हो सकता है कुछ के हो सकता है कुछ वर्कर्स के ज़्यादा बुरे एक्सपीरियंसेस भी हों हर एक का डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है तो खैर बहुत अच्छा लगा एक पूरी फैमिली है यहाँ पे सारे और पूरे पाकिस्तान से हैं तो एक फैमिली की तरह यहाँ पे रह रहे हैं बड़ा अच्छा लगा आप सबसे मिलकर तो खैर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक करें शेयर करें और दुआ में याद रखें हमेशा अपने लिए दुआ करें अपने पेरेंट्स के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ बाय बाय ये मान लो।